आज हम आइसिंग शुगर बनाएंगे और आइसिंग शुगर बनाना बहुत ही इजी है। इसे कन्फेक्शनरी शुगर भी बोला जाता है। आइसिंग शुगर का यूज़ बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने में, केक बनाते समय, या तो व्हिप जब हम क्रीम व्हिप करते हैं उस समय हमें आइसिंग शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम आइसिंग शुगर घर पे कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। आइसिंग शुगर बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एक बाउल चीनी ली है और उसी के साथ एक छोटे बाउल में एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। तो सबसे पहले हमें ये जो चीनी है एक मिक्सर की जार में डाल देनी है और उसी के साथ हम कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से चीनी में मिक्स हो जाए। आप उसे चीनी पीसने के बाद भी डाल सकते हो। तो चलिए मैं उसे कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ और इसे अब हमें एक 5 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेना है। जब तक हमारी चीनी पूरी तरह से महीन नहीं होती है हमें उसका स्मूथ एकदम चीनी को पीस के ले लेना है और उसे फिर हमें एक प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने 5 मिनट पीसने के बाद हमारी जो आइसिंग शुगर है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आप इसका यूज़ केक बनाने में या व्हिप क्रीम करने में यूज़ कर सकते हो। तो हमारी इंस्टेंट आइसिंग शुगर बस 2 मिनट में बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। ऐसे हमने आइसिंग शुगर बना ली है और ये जो आइसिंग शुगर है आप बहुत सारी मिठाइयाँ भी बना सकते हो और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के आप बहुत दिन तक उसका यूज़ भी कर सकते हो। आप इसे 3 मंथ्स तक रूम टेम्परेचर पर बाहर रख के भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।